नमस्कार दोस्तों, मैं भोलू जहांगीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो, ड्राइव कर रहे युवक की हुई मृत्यु, दो लोग घायल, गाड़ी में मिली बियर की केन। आपको हम बता दें कि सुल्तानपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो पेड़ से जा टकराई, जिसमें एक युवक की मृत्यु हो गई, दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि गाड़ी के अंदर बियर की कैन मिली है, यानी कहने का मतलब यह है कि बियर की कैन के साथ गाड़ी को चलाया जा रहा था। कहने का मतलब साफ है, नशे में धुत स्कॉर्पियो जाके पेड़ से टकराई, एक युवक की मृत्यु हो गई, दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने बताया कि राहत की बात यह रही कि उस समय स्कॉर्पियो के सामने कोई आया नहीं, अगर आया होता तो वो भी नशे की धुत में स्कॉर्पियो उसकी जान लेके चली जाता। आपको हम बता दें कि यह पूरा मामला वाराणसी की सेना के कैंटीन के सामान खरीद कर लौट रहे युवक सुल्तानपुर के लंबो कोतवाली क्षेत्र के पास हादसे का शिकार हुए हैं। अनियंत्रित स्कॉर्पियो पलटने से गाड़ी ड्राइव कर रहे युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के घायलों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें कि गाड़ी के अंदर बियर की कैन मिली है। आपको हम बता दें कि घटना कोतवाली क्षेत्र के भदैया गांव के पास एक ढाबे के सामने की है। जहां स्थानीय लोगों के अनुसार स्कॉर्पियो गति इतनी तेज थी कि गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार एक युवक की मृत्यु हो गई, वहीं दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। आपको हम बता दें कि मृतक की पहचान गोसाईगंज थाना क्षेत्र के गणेशपुर कैथोली निवासी अंकुर वर्मा के रूप में हुई है। वहीं इसी गांव के प्रिंस व सुल्तानपुर निवासी विराज वर्मा घायल हो गए हैं। आपको हम बता दें कि जिस समय हादसा हुआ, ढाबे के सामने चार पांच व्यक्ति किनारे बैठकर अलाव ताप रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि कार इन व्यक्तियों के पास नहीं पहुंची, इससे पहले ही पेड़ से टकरा गई, अन्यथा क्या हो सकता था वो तो कार ही जाने। आप सोचिए कितना बड़ा हादसा होने से टला, एक अनियंत्रित कार जो काफ़ी हाई स्पीड में थी, और सबसे बात बड़ी तो ये है कि इस स्कॉर्पियो को चलाने वाले नशे में धुत थे, और जहां पर चार पांच लोग बैठकर अलाव ताप रहे थे उसके ठीक पहले ही स्कॉर्पियो पेड़ से जा टकराई। अगर वो पेड़ से ना टकराती तो शायद और भी मौतें हो सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भोलू जहांगीर, अपना सुल्तानपुर न्यूज। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।